वेलकम। दैट इज टेंस। अब टेंस टॉपिक आपने काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन टेंस टॉपिक की सर करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख क्या होता है, टाइप है और देखते टेंस टेंस टेंपस टेंपस से बना है। दैट मीन टेंपस का अर्थ होता है टाइम। अब टाइम समय हमारा अनेक टाइम टाइप्स में प्रेजेंट इन द सेम वे हमने टेंस को भी तीन पार्ट में डिवाइड पास्ट टेंस वर्ड से बना है और इसका मतलब टाइम है, यानी टाइम से काफी मिलता जुलता है लेकिन प्रेजेंट है। देयर इज डिफरेंस टाइम एंड टेंस। समय काल काल का मतलब समय। अपन ये कह दें कि टेंस इज टाइम, नॉट करेक्ट। टेंस हमें जो है वो एक जनरल कंसेप्ट है, टाइप डिवाइड करते हैं पास्ट एंड। और टेंस क्या है, टेंस अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया का एक समय के टेंस ए जनरल सॉरी टेंस इज एंड व्हाइल टाइम तो अपन एक एग्जांपल की हेल्प से देखें। आई से आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, और एक सेंटेंस है आई एम। अब नाउ अब मैं एक लिख रहा हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंट और में आई एन, तो प्रेजेंट वर्तमान टाइम है। अब नाउ मींस अब, यानी कि प्रेजेंट में बात कर रहे हो आप प्रेजेंट। तो कई बार तो ये वही टेंस हो Going to Jaipur, arrow, tense कौन? Continuous है, time, now, अब के लिए है, इसका मतलब क्या हुआ? तो tense है, वो हो, same time हो, mostly ऐसा है, sentence टाइम है तो जरूरी नहीं हर बार ही लगे। एक सेंटेंस के अंदर हो सकता है, एक सेंटेंस में यानी कि टेंस अलग अलग। अब हम क्या करते हैं,
पुरानी जो पास्ट टेंस, बाद में फ्यूचर टेंस, जैसे टाइम की। तो हमने क्या किया, हमें दोनों अब अपन अब देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस पर आप करें, प्रेजेंट टेंस चार भागों में चार कंसेप्ट हैं और कंसेप्ट सम इट थर्ड वन परफेक्ट टेंस चार डिवीजन, मतलब ये एक प्रेजेंट टेंस सर हम देख मीनिंग क्या है इसको, टाइमलाइन बाद में अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो कर रहा है इसमें इस क्या हुआ, हम यहाँ पे जाता है ये बाद लिखेंगे ऑल। अब वो हो गया, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, ही हैज वह खेल चुका है, क्या यूज कर रहे हैं हैज प्लस ही हैज प्लेड फुटबॉल विथ, हाल ही में प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज कर होती है कोर्ट केस, अदरवाइज करते एक कंडीशन बता दूंगा और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, काम के शुरू होने का समय दिया हो, ही हैज बीन एक घंटा रहा है, हम यूज करते हैं हैज हैव हैज हैव कब भी और साथ में हमने बता दिया अब भी लास्ट में ये एक एक सेंटेंस है आप टाइप, यदि हम और टेंस के पास्ट प्रति एक्शन उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले हम डेफिनेट टाइमलाइन टाइम के तो देखो जिस टाइम है बोल रहे हो, तो जिस टाइम बोल रहे हैं आसपास
तो फ्यूचर हो गया, तो प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट हम यानी कि यही बोल दी पास्ट बन बोलनी, तो हाल ही में कंप्लीट पास्ट, हाल ही में तो अब जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हमारी सारी की सारी एक्टिविटी, सारी के सारे एक्शन अब ये क्या शो कर प्रेजेंट डेफिनेट, दैट इज नॉट डेफिनेट, तो डेफिनेट नहीं है कि हमने काम का अब निश्चित क्या है और कैसे क्या होता है। एक्शन शुरू होता है पास्ट से अप टू द है जैसे कि हमने इसमें क्या पढ़ा कि देश और शहर रोजाना क्या उसने फुटबॉल खेलना आज ही शुरू खेलता है पास्ट में कर ली थी और आज ही क्या एक्शन कौन सा होता है इसमें हम कि जब भी हम पुराने समय पास्ट जैसे ही प्लेस फुटबॉल डेली ना फुटबॉल डेली गोस टू स्कूल डेली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही गेट्स अप आज ही नहीं उठा पहले भी उठता आज भी उठता उसके लिए हम यूज करते हैं लेस देन दो तरह के एक तो परमानेंट परमानेंट आदत आदत हमें दो काम अब भी कर अंदर हम कौन सा टेंस प्रेजेंट वो चीज पहले भी सत आज भी सत ट्रुथ में भी एक तो एक्ट अब जैसे भी प्लेटफॉर्म पढ़ते आप में क्या क्या और उसको सबसे एक्शन परमानेंट हो सेकंड कर कर ली नियमितता से आ जाता तो एक्शन कहलाता है क्या है वो रोजाना फुटबॉल खेलता है अब खत्म इनडेफिनेट अनिश्चित है डेफिनेट नहीं है
स्थिरता इसमें दो ही है, एक्शन परमानेंट है और एक्शन है, यानी हैबिट्स आपका रहेगा डेफिनेट। सेकंड वन टेंस का कंसेप्ट रहता है, कंटिन्यूअस टेंस, प्रत्येक टेंस के अंदर कंटिन्यूअस का कंसेप्ट पाया जाएगा। आप पास टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, एक्शन शो करना है प्रेजेंट के, ये क्या होता है, एक्शन कौन होता है, चल रहा होता है, इस फुटबॉल डेली रोजाना फुटबॉल खेल हैबिट है, एक दिन फुटबॉल खेलने का काम पर दे वो समाप्त करता है, फुटबॉल ना हो अब वो फुटबॉल खेल रहा है, आपने कहा कि अब वो कहा है, तो मतलब आपने जब वाक्य बोला पहले काम अब बंद कर दिया, अब वो खेल रहा है, हमने क्या शो करना है, एक्शन क्या है, अभी तक रेगुलर है, कंटिन्यू फुटबॉल नाउ गोइंग ऑन कंटिन्यू। वो अब फुटबॉल फुटबॉल अब फुटबॉल जरूरी क्या था हमारे क्या है, इसमें एक्शन रेगुलरली और इसमें होता नहीं होता, तो वह अब फुटबॉल खेल कंप्लीट एक्शन, ऊपर वाला एक्शन परमानेंट, जो भी कई बार एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंस, जैसे अपन ही डेली ही टेक डेली टेक्स टी बट नाउ कॉफी, डेली टेक्स टी रोजाना वो चाय लेता है लेकिन अब वो कॉफी चाय लेता है, एक हैबिट है उसकी, डेली टेक्स टी रोजाना चाय लेता है अब वो कॉफी लेता है, टेम्परेरी कौन सा हुआ देना कॉफी ना हो क्या लगा दिया प्रेजेंट कंटिन्यू, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी आपका परमानेंट हो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जब आप टेम्परेरी हो इनकम्प्लीट, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, अब मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो आपने लेटर लिखने का काम पूरा, इनकम्प्लीट टेम्परेरी है एक्शन, दो कंसेप्ट पर कर देते हैं अपनी पहला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है और परफेक्ट, तो जब भी हम किसी एक्शन को कंप्लीट शो करना चाहते हैं, कंप्लीटेड एक्टिविटीज हाल ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं, पास्ट टाइम, बाद वाला टाइम, फ्यूचर टाइम, एक्शन
पहले आपने एक्शन तो पहले मोमेंट ऑफ स्पीकिंग का मतलब हो गया कि आप बोल रहे हो ही हैज प्लेड फुटबॉल रिसेंटली, हाल ही में तो खेल और कंप्लीट कब किया का है वो का मतलब वो प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म इसमें और इसमें रहेगा जैसे अपने वर्तमान का जुड़ा रहता है ही हैज प्लेड फुटबॉल हाल ही में अभी अभी उसने है हाल ही में खेल चुका है अब दूसरे को खेलने दो है और एक में प्लेड फुटबॉल का एंड चला गया नहीं प्रेजेंट परफेक्ट इज ऑलवेज कनेक्टेड प्रेजेंट टाइम मीनिंग रहता है प्रेजेंट के लेकिन जो पास्ट होता है पास्ट का मीनिंग पास्ट में जाता है वो फर्दर मीनिंग अलग से ही हैज कंप्लीटेड वर्क अपना काम पूरा कर लिया क्या कहेंगे काम दिया जा सकता है अपने घर पे भी कहें आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क कहता है कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क मैंने अपना काम पूरा कर लिया तब आपने कोई क्या होगा कि काम करने के ये नहीं कह रहा कि मुझे देखना है वो आई हैव काम पूरा कर लिया कहना क्या चाहता है देखना है वर्तमान के साथ मीनिंग क्या हुआ है कहीं एक अपनी आई कंप्लीट वर्क मैंने काम पूरा किया देन आई वेंट मार्केट देन आई प्लेड देन आई वेंट टू माय हाउस तो पास्ट के बाद में पास्ट ईयर कल भी अपने बात की थी लेकिन फैक्ट जो इट्स है वर्तमान के साथ क्या हुआ एज और प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है इसको भी यदि अब इसमें इस सेंटेंस को देखें ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर वह फुटबॉल खेल रहा है एक घंटे तो उस एक्टिविटी कंटिन्यूस और इसमें फर्क क्या है आप फुटबॉल इसमें लेकिन एक घंटे से खेल वो दिन पांच मिनट से क्या होगा अब जैसे वो एक्शन स्टार्ट हुआ कहां से आपने हैज बीन एक घंटे अब आप बोल
वहां एक घंटे यूज करते हैं प्रेजेंट अब इसमें करना क्या है डेफिनेट परमानेंट रेगुलर कंटिन्यूअस में क्या होगा और गोइंग ऑन जारी हो परफेक्ट में परफेक्ट के अंदर आपका एक्शन हाल ही हाल ही जुड़े से पास्ट का और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इस टाइम दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐसे यहां पे डॉक्टर और यदि अपन ये लिखें he has been playing football वन ऑफ क्या लगाएंगे करते हैं और अपने वन बाय वन इन फाइन कर दूंगा और इसकी ताकि आप इस कवर भी कर सको और इसको अपने प्रेजेंट टेंस के एस्पेक्ट फैक्टर अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टेंस है अपने डिस्कस करते हैं वो है प्रेजेंट करते हैं तो आप ये ध्यान डेफिनेट टेंस की बात करें आपको अभी एंड एस आर फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसका नाम ही सेकेंड फॉर्म को क्या थर्ड को पास्ट पार्टिसिपेंट का मतलब वर्ब में सर वर्ब फॉर्म अब बात आती है का यूज करना है और कहां पे हम जज का कहां पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता कर्ता के अनुसार थर्ड थर्ड
फर्स्ट पर्सन में क्या पढ़ते हैं हम आई एंड सेकंड पर्सन में क्या पढ़ते हैं थर्ड पर्सन देखो इट या किसी का एक थर्ड पर्सन और यदि आपका वाला है अब देखो इस मैंने कहा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आ? तो हमने डू के अंदर ई एस ए एस किस में लगा दिया अब किस आप अब में क्या करते हैं अब का अब है एस आपको मिल जाएंगी एस आप देखो वो था तभी हमने क्या लगाया अदरवाइज हम क्या ऐसे लगा एक बात तो करी जब भी थर्ड पर कूलर मिलेगा तब हमें अब की अब लगाना है हमें वब देख जैसे कि हमारे पास में वब मिल गई वो मैं ऐसे लगा है ये हमें वर्ब मिल गई राइट राइट में एस लगेगा ते मिल गई एस लगेगा सर भी क्या है भाई है अपने को कहां भी तभी डू डज वाक्यों में डज किस में एरोगेट और बात तो हुई कैसे बनाते इंटरोगेटिव अब इस आपके आइडेंटिफाई सबसे पहले सेंटेंस के पहला काम जो आपने करना होगा यदि सेंटेंस के ऑलवेज कभी कभार के लिए ट्राई ट्राई के लिए डेली हार्डली बहुत कम आकस्मिक समटाइम्स एवर स्पेशली हैबिचुअली आदतन कई बार रेगुलरली आपको एडवर्बियल पहला उसके बाद में है कंटिन्यू का है परफेक्ट का टाइम प्रेजेंट मोस्टली
ज्यादातर ये किस अब ये दिया है ईच या एवरी का मतलब क्या बन गई वो आई पास्ट ऑन एवरी यूज कब करते क्या बतानी होती है हमें हैबिट पर ट्वाइस मीन दो बार वंस मीन दिन में एक बार ही टेक्स मेडिसिन वंस एक बार दवाई लेते दवाई लेने बारंबारता क्या है उसकी काम के है वंस एक बार तो मतलब क्या हुआ वो हम काम हम एक बार रिपीट क्या क्या नहीं बोल एक बार दो बार ऑन संडे नहीं है ऑन संडेस ऑन संडे तो हो सकता है पास्ट का संडे को He goes on pick on Sundays. Sunday को pick. काम कितने टाइम बाद में रिपीट 7 days. जब भी संडे आता है तब वो एक्शन है. goes to goes for walk. Running. ना वो हैबिट परमानेंट टाइप के हमें सबसे सबसे पहले तो ये एडवर्बियल देख एडवर्बियल अभी अब अपने थोड़ा सा एक बार सेंटेंस तो इसमें देखें नैरेटिव सेंटेंस किस इंटरोगेटिव एक सेंटेंस अपन लेते हैं हम क्या यूज करते हैं सिंपल वाक्य में नेगेटिव जब भी बनाना है हमें किस करना पड़ेगा कोट लगाने हमें हमेशा हमने हेल्पिंग लेकिन नेगेटिव अभी भी कोट कौन सा है आप उसको कौन सा है क्या हेल्पिंग नॉट एवर एवर वेस्ट टाइम है ना मतलब तो ये डोंट वेस्ट कभी भी बाद में क्या कि जिस क्या हेल्पिंग अभी बने अब हम पहले पहले आएगा तो वो क्या बताएगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव है कि हम बाहर निकाला सब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई नोट आ गई और इस
और जब नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आपको भी और थर्ड डब्ल्यू डू डज सब्जेक्ट नॉट प्लस फर्स्ट अब अपने सेंटेंसेस को थोड़ा देख लेते हैं कि आई या वी आई वी प्ले फुटबॉल यहां पे हमने वर्क फर्स्ट पर्सन थे आई और यहां पे हमने नोट लगाना है आई वी प्ले फुटबॉल डेनी आई या वी नॉट प्ले आ गया अजमी यहां पे अपन डू आई और वी प्ले फुटबॉल हम फुटबॉल खेलते हैं कि डू आई और वी डोंट प्ले फुटबॉल हो गया इसका आप अपने सेकंड पर्सन से बनाओगे यू प्ले फुटबॉल डेली यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत और इंटरोगेटिव फुटबॉल और नेगेटिव इंटरोगेटिव और थर्ड पर्सन में यूज करोगे कि यहां पे हम एस ही प्लेज फुटबॉल डेली यहां पे हम यहां पे क्या राम डज नॉट प्ले आ गया तीनों ही से यहां पे आज राम अपने लास्ट में देखेंगे दे प्ले फुटबॉल के साथ भी हम आते तो दे डू नॉट प्ले डू दे प्ले फुटबॉल डेली डू दे नॉट प्ले स्टार्ट आपकी आपकी आइडेंटिटी पहचान ये टेंस ही है तब ये टेंस आपको मिले आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस फर्स्ट फॉर्म का वर्ब विद एन डू डज अब इसके पास में और बता देता हूँ कल मैं थोड़ा अब लास्ट के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है एक चीज ध्यान रखना जब भी देखिए जो अब तक हमने पढ़ा प्रेजेंट इन क्या हो गया आदतन रेगुलरली रिपीट वो काम माई मदर कुक वर्ब दी है आपको ब्रेक बनाती आज भी आज के टाइम
आती रहे, ये रहता है आज। तो माई मदर कुक्स, वास्तव में है तो इस हैबिट है रेगुलरली रिपीट। तो हमने क्या किया, सेंटेंस आपको टाइप दिए, कुक्ड कुक, अब जब तक आपको कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया तब तक आप पास्ट में नहीं। मेरी माताजी ने स्वादिष्ट खाया, बनाती है, बना चुकी है, बना रही है, तब तक हमें पर्टिकुलर ऐसे पास टाइम दे देता यस्टरडे, अब यस्टरडे देते ही पार्ट बन जाता पास्ट का, हमें पता चलता पास्ट आएगा, सेकंड फॉर्म लगाने। जब तक आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन ना दी हो, कोई भी नहीं क्या हो, तो हमें उस, अब इसमें सबसे पहले कंसेप्ट क्या नजर आता, हम क्या लगाएंगे, कोक्स। माई ब्रदर वर्क्स है मेरा, माई फादर, माई फादर डेली बॉस, इनडेफिनेट। सेकेंड स्ट्रेस जनरल परमानेंट एंड यूनिक, सामान्य परमानेंट, परमानेंट यूनिवर्सल ट्रुथ हर तब भी आप the sun rises in the east, the sun rises aaj nahi hua hota tha aaj bhi permanent habits, तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं हर्ड है, इट्स द फ्यूचर प्लान्स, इट्स द फ्यूचर हर्ड है, ये जाता है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, कौन सी पहले टाइप की कंडीशन वाले पार्ट, सेकंड में आप विल, तो फ्यूचर प्लान अपन लिखे कि अब जो फिक्स्ड कोई भी फुल पे फिक्स, ट्रेन 5 बजे चलेगी, ट्रेन किसी जो भी टाइम टेबल, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हो सकता है अभी 5 कह रहा है कि 5 बजे चलती है, जाएगी यहां से
फिक्स फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान जब फिक्स होगा टाइम टेबल पर, है ना, तब अपन प्रोबेबल कंडीशन कल पढ़ी है हमने, हार्ड पास कठिन परीक्षा करेगा पास होगा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो पहले टाइप की कंडीशन ओपन एयर प्रोबेबल कंडीशन टाइम वर्क फ्रॉम होम करते, लेकिन इसके हम ऐसे नहीं करते कि यदि वो कठिन परीक्षा करता है कठिन परीक्षा देगा फोर्थ हमने देखा एक इसमें एंट्री ब्रॉडकास्टिंग एंट्री उसके लिए अब कमेंट्री में एक्शन गोइंग ऑन होता है जैसे कि क्रिकेट के अंदर बॉलर जो बॉल फेंक रहा है दौड़ रहा है तो हालांकि एक्शन गोइंग ऑन होता है टेंस होता है बार 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 बाद में वो ये करेगा ना तो सर लगाते हैं प्रेजेंट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ सब प्रसार स्टेशन का मतलब क्या हुआ कहावते कथन कथन और प्रभाव हो गई। अब जितने कथन है आत्मा देश आत्मा गांधी क्या आत्मा गांधी कहते हैं कह रही है स्टेशन से प्रपन करते हैं लेकिन उसको एक्शन वर्तमान स्वतंत्रता देने शेक्सपियर इज इन दिस शेक्सपियर पोएम में अभी आज भी कहता है सेवन एजेस ऑफ मैन्स लाइफ है अपन कहें शेक्सपियर सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज एवरी कैरेक्टर है रोल एंड व्हेन रोल इज कम कहता है इसका मतलब उसको अपने वर्तमान में जीवंतता देना चाहते हैं अपने कहते हैं ना महाभारत में रामायण में इन द लास्ट राम किल्स रावण लास्ट में राम रावण को मारता तो नहीं है हालांकि वो एक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन उसको हम आज भी जिंदा बनाने प्रभाव का मतलब कहावते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन कहावते हैं सर हम प्रेजेंट एंड समथिंग बेटर देन इज बेटर कहावते पुराने समय में भी आज भी सच हैं और आने वाले समय और लास्ट अपन अरे दिमाग की क्वेश्चन ऐसे काम का जारी होना हम वॉलंटरी है I know her. जानता हूं क्या तो आप जानते हो क्या ऐसी जितने दिमाग के एक्शन इन वर्ब को हम कहते हैं नॉन कंटिन्यू तो नॉन कंक्लूसिव कंटिन्यूस आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगी तो एक्टिव पास्ट
कंटिन्यूस आई तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस पहले वाला टेंस। तो आई नो मिस्टर, अब मैं लिख आई फॉरगेट कौन बोल तब भी हमें अपन ये नहीं कह सकते आई एम फॉरगेटिंग हिम, मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं, आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट हिम कह सकते हैं, कोशिश कर रहा हूँ हम, आई एम कंटिन्यूस वर्ब्स हैं वो हमेशा डेफिनेट, तो वर्ब्स आर कल अपन डिस्कस सेकंड टेंस, और इसको थोड़ा सा घर से आप इसकी कंप्लीट कर लें।